हाँ जी, सत श्रीकाल जी सारे नो कि मैं आई होप सो सारे जने वधिया होवोंगे। मैं भी ठीक हां, पर पूजा बिल्कुल ठीक नहीं है। पूजन हो गई है वीकनेस, पूजा एक दिन बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तो लो जी, आप जा रहे थे सिस्टर के घर। आज सवेर का अपन टाइम लग गया, आज सिस्टर के घर खुलिया सीगा पाठ, तो पाठ खवाया हुआ उन्होंने। क्योंकि थोड़ा पता ही है 23 तारीख में कबीर का बर्थडे है ना। बाकी ब्लॉग थोड़ा पता अगे पिछे हो रहे हैं क्योंकि टाइम की शॉर्टेज चल रही पी है, टाइम बिल्कुल नहीं लग रहा, इस करके थोड़ा ब्लॉग अपने लेट आ रहे हैं, है ना। तुम प्लीज़ मैनेज करो, अंडरस्टैंड करो, है ना, समझियो। क्योंकि तुम्हें पता करने वाला कोई नहीं है, असं हुई है ना। फिर तुम्हें पता बिजी बहुत ज़्यादा चलते पे हैं। अच्छ अं मॉर्निंग चले गए थे थोड़ी शॉपिंग कर, फ्रीडे कपड़े वगैरह लैन समान लैके आए थे। आप मॉर्निंग दिखावे तो इस करके, तो बाकी आप मॉर्निंग गए नहीं सके, फ्रीज चला गया है ना। बाकी क्लिपा तुम देख ही ली होने स्टार्टिंग के मैं लगाई ने, तो खुशी ने शूट कर लिया थोड़ा जहा ब्लॉग। तो बस असं हूँ जा रहे थे ना, तो मैं हो गई थी रेडी। मैं चलो मत्था टेक के आने, हम आप चलते हैं उधर, आओ थोड़ा लैके चलते हैं। बने रहो, जुड़े रहो, स्किप ना करो, ब्लॉग में पूरा वॉच करो। चलो जी फिर चल रहे। बाकी मम्मी चले गए थे, मॉर्निंग ही चले गए थे, है ना। करके हम अभी जा रहे हैं। जी फैमिली गुड मॉर्निंग जी, किवें हो। लो जी आप राती आ गए थे, बस उस तो बाद मैं एक ब्लॉग में शूट किया, तो हूँ आप जा रहे थे रेडी होके। बस अज अपना लास्ट दिन है, मतलब अज आप अज करनी है थोड़ी जी शॉपिंग, मतलब थोड़ा जहा समान रह गया, पूजा का दुपट्टा रह गया। तो मैं चली सी सलोन आई लैशेज करवाण, बाकी उत्तर जाके देखते हैं आई लैशेज कि होंगे ने, है ना। मेरा बड़ा दिन तो बड़ा, मतलब बड़े टाइम तो ना मेरा मन सगा कि मैं लैशेज लगवाव। वैसे मेरे लैशेज बहुत वधिया ने, पर मैं एक हूँ ना, पर मेरे शौक है, तो मेरा बड़ा मन है कि मैं लैशेज लगवाव।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਬਾਕੀ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਤੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਲਗਾਓ ਦੇਖੋ ਫੈਮਲੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਲੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਪਿੱਲੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਲੋ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉੱਧਰ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰੇ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਕਿੱਪ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਾਚ ਕਰਿਓ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਫੈਮਲੀ ਦੇਖ ਲਓ ਪੂਜਾ ਦੇ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਦੂਸਰਾ ਕਲੀ ਜਾਲੀ ਵਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਗਈ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਲਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਲਿੱਲੀ ਭੌਂਕ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ चलो फैमिली मैं पानी पुनी पी ला फिर तुम मिलते हैं बाकी मेरी फाइनल लुक देखो कुछ भी करने की लोड़ नहीं है हाँ मैं कुछ नहीं करना साइड तो साइड तो ज्यादा वधिया लग रही है ना मैंने देखो गाइस साइड तो कितनी प्यारी लग रही है ना ब्लैक ब्लैक गाइस
बाकी मैंने कमेंट करके दस्यो ठीक है फैमिली। चलो तेरी गैया भी मैं जावा फैमिली मैं कपड़े कर ले सीगे चेंज मैं जा रही सी वैक्स कराने नाल इत्थे पार्लर जेडे आंटी आए थे हमने जा रहे थे वैक्स कराउन धुप बहुत ज़्यादा हुई पी है गाइस ये रहे चक्कर नहीं मेहंदी का नहीं मैं मेहंदी मैंने बस ओद ही अच्छी लगती है तो आप कुछ ओकेजन होंगी है ना मैं मैरिज से दोबारा लगवा लाँगे ना घर थैंक यू सो मच आ जाओ फिर ठीक है मैं इत्थे ही हां शाम तक ओके हाँ जी आप जा रहे हूं घर बिलकुल नेड़े सीगा फिर मैनू भी लाहा तक ले मैं क्या चलो आप कर रहे हो सत श्री अकाल मास्टर आपा कर लिया चेंज हूँ आपा चलते हैं उपर बैठे ने सारे इत्थे अच्छा भी रख दे अंदर बैठा कपड़े उधर अपने घर तो थोड़ा सिस्टर ने वाल वूल स्ट्रेट कराने से थोड़ा स्किन का करवाना सीगा कम मैं कल उधर चलते ना फिर मैं शाम को मत्था टेकांगे आप है ना आवेंगे दोबारा कपड़े वगैरह चेंज कर देवे। हाँ जी गाइस मैं आ गई सी नहा के तो हूँ आप थोड़ा जहा अपने फेस का कर दें रंग थोड़ा डल जहा हो रहा धुप करके ट्रीटमेंट कर दें फेस का तो लाइट भी भज गई लाइट भी चली गई वाल भी अपने करने से सीधे बाकी वेट कोई ना आ जाएगी लाइट तो आई जानी है नॉर्मली हम आप सिस्टर दे लगे थोड़ी स्किन केयर करना फेस डल किया हुआ बहुत ज्यादा मैं थोड़ा जा ब्राइट कर दिया फेस आप रोकी कर दी किन गया क्या ये आ जाने आ गई है ये तो पूरे तक आई है बनाऊंगी हां जी फिर ही गली में आएगी कर दियो नहीं नहीं हां चलो तो आई से आंटी कर चल रही है गल गई उठे मासी की कटिंग होने लगी है ना मासी दे वाला नहीं दो जवाब
ਲੋ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੱਕਦੇ ਪਈਏ ਹੁਣ ਹੇਅਰ ਇੱਥੇ ਗਾਈਸ ਆਈ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈਣ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਗਾਈਸ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸੂਟ ਸਟਿਚ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ काफी कठे हो गए जो कब्जी पाली है ना बस यही पाऊंगी जो मेरे रैन दिखन हांजी फैमिली मैं मोक्षी लई गिफ्ट लैके आई हाँ जिवें कि तुसीं जानदे होवोंगे रितिका ग्रोवर करके ब्लॉगर वाला चैनल है ना उन्होंने वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड आ तो उन्होंने आना है ना कल सिस्टर दे बेटे दे बर्थडे ते तो मैं चलो बच्चा पहली बार घर आ रहा है ना बच्चे ने अपना सरप्राइज देवे तो मैं बहुत सोहना क्यूट जहा बैग लैके आई थी मोक्षी लई तो मैं चलो है ना डॉल वाला क्यूट जी डॉल उन्होंने अच्छी लगेगी मोक्षी को तो स्कूल लई कम भी आ जाएगा तो बच्चा खुश होकर बैग में चुकता है ना तो बस हम असं गिफ्ट पैक कर रहे थे कल उन्होंने आना फिर कल बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना है साडा तो मैं चलो आप देवे उन्होंने मोक्षी में गिफ्ट तो बस हम आप पैक कर लें गिफ्ट में लो फैमिली आप पैक कर रहे हैं ये ड्यूटी फ्री की लगाई है पिछली बार भी रह गया सिस्टर का गिफ्ट लिया से आप मुस्कान का है ना वो पैक कर रहे थे भुल गए थे हूँ भी पूजा ने याद कराया कहें दीदी शूट तो कर लो तो चलो ठीक है पैक कर लें आप मिलते हैं तुम थोड़ी देर बाकी आप सिस्टर के घर जाना उधर खलारा देख लो गाइस कि पाया हुआ बाकी मेरी पायल का खड़का देखो I like it. हाय मोक्षी ने कहना सी मेनू मासी ने टेप भी दी है नाल टॉफी बनाती मोक्षी कहेगी एड्डी बड़ी टॉफी मासी दिखाई पूजा हाँ जी फैमिली चलो ठीक है अज्ज दे ब्लॉग दा पिंड इत्थे करदे हां मतलब ब्लॉग बहुत ज्यादा लेंथी हो गया मैं चेक किया सीगा हुणी मैं क्या फिर ब्लॉग अपना लंबा होए ना अगे तो आप फिर कंटिन्यू करांगे क्योंकि हुण जाना आप सिस्टर दे घरे आप इहदा सैकंड पार्ट ले आवांगे आप ये पार्ट आ जिहड़ा इत्थे एंड करदे हां आई होप तुहानूं जिहड़ा ब्लॉग आ वधिया लग्गिया होणा ते थोड़ा जिहा ब्लॉग वधिया लग्गिया होवे पसंद आया होवे लाइक करिओ चैनल ते पहली वार आउंदे हो सबसक्राइब करिओ वीडियो नूं जल्दी शेयर करिया करो सोहणे सोहणे प्यार प्यारे कमेंट करिया करो है ना ते तुसीं बहुत सपोर्ट कर रहे हो बस इदां ही सपोर्ट ते प्यार साथ दिंदे रहो तो बाकी थोड़े जो पता ब्लॉग अपने लेट आ रहे हैं प्लीज़ 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 मैं थोड़ी एक बार कहनी हूँ फिर दोबार तो समझो उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा बिजी चलते पे हाँ तो उस तो बाद आप जो फ्री हो गए तो आप कंटिन्यू अपने है ना जो ब्लॉगिंग मतलब डे बाय डे पावे है ना थोड़ा आप पिछे चलते पे आई नो दैट बट कोई नहीं क्योंकि फिर एडिटिंग भी करनी होंगी शूट भी करना होंगे फिर होर काम भी नहीं इन्ने ज़्यादा वो करके अपन टाइम लग रहा तो बाकी बहुत सोहना इसको अगर जो मैं ब्लॉग शूट करूँगी बहुत ही इंट्रस्टिंग ब्लॉग होगा है ना तो इसका सैकेंड पार्ट जरूर देखियो चलो आप ब्लॉग एंड इतनी करते हैं मिलेंगे नवे ब्लॉग के नैक्सट वीडियो के बाय जी टेक केयर ख्याल रखे सारे जने अपना लव यू